नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। झांसी जिले के शहर कुतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से चांदी का बैग छीन लिया है, जिसकी शिकायत थाने की पुलिस से की गई। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए छानबीन शुरू कर दी। झांसी जिले के शहर कोतवाली अंतर्गत पुरानी नजाई में रहने वाला राजकुमार सोनी सराफा व्यापारी है। राजकुमार सोनी आज 1 किलो से अधिक चांदी से भरा बैग लेकर सराफा बाजार जा रहा था, तभी उन्नाव गेट पर बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया और भाग गए। पीड़ित ने इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सुनाई देता, हम धरते हैं, बिछिया बनते हैं हमारे यहाँ, पायल बिछिया। तो तुम्हारे साथ लूट कैसी हुई, क्या पूरी घटना बताइए। मैं अपने धर से निकला थैला लेकर, तो मैं अपने हाथ इस हाथ में थैला लिए था और सीधे चले आ रहे थे, तो ये दो लड़के आए, मतलब 40-45 साल की उम्र थी उनकी, और एकदम से थप्पड़े मारे थे मुँह में, तो एकदम से आए और मेरे हाथ से बैग छीना और सीधे पंडे तवारी तवाली थे बदलती दली में सीधे साथ घुसता है वो लोग। तो मैंने पीछा किया उस दली के अंदर, तो मैं थोड़ा दौड़ा उसके अंदर, तो वो बहुत स्पीड से थे, तो वो चिल्लाए सर, मैंने 3 आवाज़ मारी, तो लोगों ने चिल्लाए भाग रहा है, बोलो सामान थी, मतलब उसमें इतनी भू नहीं थी। अच्छा। हाँ, तो मैं सर लड़ती थी थड़े थे वहाँ पर, दो ने बोला क्या हुआ, उन्होंने थैला छीनते भाग दिया मेरा, तो मैं उस मैंने स्पीड से दौड़ लगाई। नहीं, मैं थैला लिए, आप चाहे तो अभी कैमरा झूम कर देती है, वो थत्ती करता थैला था, थोड़ा पीला पीला है थैला है, और मैं उसे फोल्ड करने हाथ में लिए हैं। हाँ, फोल्ड करके हाथ में लिए हैं, उसमें 1200 ग्राम बिछिया था। हाँ, 1200 ग्राम उसमें बिछिया था, वो स्थिति में वही 45-45 हज़ार 50,000 समथिंग के अंदर है, 50,000। ये कोतवाली क्षेत्र में पुराना नजाई मोहल्ला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं सोनी जी हैं, जो अपने घर से 1200 ग्राम चांदी बनी हुई बिछिया और भी इस तरह की जो ज्वेलरी होती हैं लेके, इनका कहना है हम घर से निकले और घर से उस चहल पहल वाले मोहल्ले में लगभग 100 मीटर या 125 मीटर आगे ही एक दुकान के सामने दो लड़के पीछे से झपट्टा मार के लेके चले गए। इस बात की जाँच की जा रही है, जो भी होगा आपके सामने सच्चाई लाई जाएगी।